हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, जय जय हिंद एंड वेलकम टू परिणा एकेडमी। सो टुडे आई विल टेक योर मैथमेटिक्स क्लास 9 एंड फर्स्ट चैप्टर वी विल रीड टुडे इज नंबर सिस्टम। सो वी ऑलरेडी रीड अबाउट द नंबर सिस्टम इन प्रीवियस क्लासेस लाइक क्लास 6 से क्लियर क्लास 6 7 8 हमने इसको नंबर सिस्टम को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अभी हम क्लास 9 पे है और वी जस्ट रिकॉल द नंबर सिस्टम इन क्लास 9। ओके, सो फर्स्ट वी विल सी द नंबर्स इन द नंबर द नेचुरल नंबर। फर्स्ट वी विल रीड अबाउट द नेचुरल नंबर। सो व्हाट इज नेचुरल नंबर? नेचुरल मींस जो ऑलरेडी है उसको हम नेचुरल बोलेंगे, है कि नहीं? साइंस में पढ़े हो कि नेचुरल मतलब कि जो पहले से है। तो यहां पर नेचुरल नंबर्स मतलब कि जो पहले से है उसको हम नेचुरल नंबर बोलेंगे। सो कौन सा नंबर पहले से? 1 2 3 4 अप टू इनफिनिटी, ये पहले से है तो इसको हम नेचुरल नंबर बोलेंगे। तो ये 1 2 3 ये क्या है? काउंटिंग नंबर्स। सो हियर वी राइट ए डेफिनेशन। ओके, सो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड द नेचुरल नंबर। अंडरस्टैंड? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। सो एग्जांपल अगर देखेंगे 1 2 3 4 अप टू इनफिनिटी, दीज आर कॉल्ड द नेचुरल नंबर। अंडरस्टैंड? देन नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय n। नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय n, व्हाई n? बिकॉज़ द फर्स्ट डिजिट ऑफ द नेचुरल नंबर इज n, दैट्स व्हाई वी टेक द n एज द नेचुरल नंबर। ओके, अंडरस्टैंड? देन कम टू द होल नंबर्स। देन कम टू द होल नंबर्स। सो व्हाट इज होल नंबर्स? व्हाट इज होल नंबर्स? सो ऑल काउंटिंग नंबर्स विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। मीन सो ये वाले काउंटिंग नंबर या नेचुरल नंबर से अगर हम जीरो को मिला लेंगे, इनका नंबर लाइन से अगर जीरो को हम ऐड कर देंगे, ये क्या बन जाएगा? होल नंबर। अगर हम यहां पर एग्जांपल देखेंगे 0 1 2 3 4 अप टू इनफिनिटी, ये होल नंबर बन गया। देखो 1 से 1 2 3 4 5 अप टू इनफिनिटी ये तो नेचुरल नंबर है हमारा, बट यहां पर हमने जीरो को मिला लिया यहां पर, तो ये होल नंबर बन गया, है कि नहीं? एंड होल नंबर इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू। व्हाई? द फर्स्ट लेटर इज डब्ल्यू, दैट्स व्हाई वी टेक डब्ल्यू एज द होल नंबर। ओके, सो नाउ कम टू द इंटीजर्स। व्हाट इज इंटीजर्स? सो ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स विद जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। सो ऑल पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर जीरो के साथ अगर मिल जाए तो इसको हम इंटीजर बोलेंगे। सो ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर, सो व्हाट इज पॉजिटिव नंबर एंड व्हाट इज नंबर नेगेटिव नंबर, दिस इज अ क्वेश्चन, इजंट इट? सो व्हाट इज पॉजिटिव नंबर? सो दोस नंबर आर ग्रेटर देन जीरो आर कॉल्ड द पॉजिटिव नंबर। सो ये देखो 1 2 3 4 ये जीरो से बड़ा है इसीलिए ये पॉजिटिव लाइन में, तो इसको हम पॉजिटिव नंबर्स बोलेंगे। और -1 -2 -3 -4 ये क्या है ना, जीरो से छोटा, लेस देन जीरो, दैट्स व्हाई वी कॉल द -1 -2 -3 -4 अप टू इनफिनिटी, दैट आर कॉल्ड द नेगेटिव नंबर्स, एंड 1 2 3 4 5 अप टू इनफिनिटी दैट आर कॉल्ड द पॉजिटिव नंबर्स। अंडरस्टैंड? नाउ द इंटीजर्स डिनोटेड बाय जेड। सो हियर वी नो द फर्स्ट लेटर n, दैट्स व्हाई वी विल टेक द n एज होल नेचुरल नंबर एंड w एज द होल नंबर, बट हियर इज जेड, बट हियर इज फर्स्ट लेटर इज i, इंटीजर्स तो फर्स्ट लेटर इज i, बट वी विल टेक जेड एज द इंटीजर। व्हाई? व्हाई जेड इज द इंटीजर? मतलब वी डिनोटेड बाय इंटीजर। अंडरस्टैंड? सो जेड कम्स फ्रॉम द जर्मन वर्ड जेलन व्हिच मींस टू काउंट। तो ये जो जेड है ना कहां से आया है ना, जेलन मतलब एक जर्मन वर्ड है, उसका मीनिंग है काउंट, टू काउंट, तो इसीलिए इसका मतलब कि जेड दे दिया हमने इंटीजर्स के लिए। ओके, हमने अभी नेचुरल नंबर पढ़ा, होल नंबर पढ़ा और इंटीजर्स पढ़ा। इसमें अगर कोई डाउट हो कमेंट कर देना, आप लोग अगर कमेंट करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं फर्स्ट वी नो अबाउट द नेचुरल रेशनल नंबर। सो रेशनल नंबर्स कम्स फ्रॉम द वर्ड रेशियो। सो रेशनल नंबर कहां से आया है? रेशियो से आया है। सो क्यू कम्स फ्रॉम द वर्ड कोशेंट। ये जो क्यू हमने लिया है, ये क्यू कहां से आया है? क्यू कम्स फ्रॉम द वर्ड कोशेंट। ओके, सो रेशनल नंबर को हम कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे हम
रेशनल नंबर को। लेट ए नंबर, अगर हम एज्यूम करेंगे ए नंबर आर, लेट हम लेते हैं एक नंबर, एनी नंबर यू कैन एज्यूम आर इज कॉल्ड ए रेशनल नंबर। अगर हम एक नंबर को लेंगे रेशनल नंबर, तो वो वाला नंबर कैसा होना चाहिए? इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, अगर हम आर को लेंगे एक रेशनल नंबर, तो आर कैसा लिखा होना चाहिए? आर मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ क्यू बाई पी बाई क्यू, आर मस्ट बी इन द फॉर्म पी बाई क्यू। सो कैसे? वेयर पी एंड क्यू आर द इंटीजर्स, यहां पर पी एंड क्यू आर द इंटीजर्स, एंड अनदर रूल इज q इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होगा। अगर जीरो हो जाएगा उसका मतलब कि जो वैल्यू होगा p बाई क्यू का, जो फ्रैक्शन का वैल्यू, वैल्यू लेस हो जाएगा, उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। सो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा, इसका रूल। सो p एंड q ये इंटीजर होगा और q जीरो नहीं होगा। ओके, सो रेशनल नंबर इंक्लूड्स द नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स। सो नेचुरल नंबर भी ले सकता है, होल नंबर भी आ सकता है उसमें, और इंटीजर्स भी आ सकता है। अगर एग्जांपल लेंगे -25/1, सो हियर माइंड हुयर हुयर पी इज इक्वल टू -25 न्यूमरेटर एंड क्यू इज द 1 डिनोमिनेटर, इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वी टेक -25 एज पी एंड 1 इज एज क्यू। So -25 is a integer and 1 is the natural number. So this law verified. So rational number includes the natural number, whole number and integer. So here is 25 is a integer and 1 is called whole number, also natural number. हमने पढ़ा 0, 1, 2, 3 whole number है और 1, 2, 3 ये natural number है. Okay. अगर हम और एक example लेंगे, 1/2. So where p is equal to 1 and q is equal to 2, this is also the rational number. If you write 0/5, so where p is equal to 0 and q is equal to 5, it is also a rational number. Denominator 0 नहीं होगा, numerator होगा तो चलेगा, इसके value 0 हो जाएगा. 0/5 is equal to 0, so 0 is also a rational number because we write the rational number includes the natural number, a whole number and integer. So 0 also a whole number, that's why 0 is also a rational number. Understand? Abhi kuch question answer discussion karenge. Okay, so pehla example 1 lenge, kuch question hai tumhara book mein, usko thoda discussion karenge, dekhte hain aap log kitna sikhe is class se. Okay, so are the following statements true or false, give reason for your answer. ये वाला statements true है या false है उसको लिखना है, और अपना जो इसके reason क्यों true है और क्यों false है, you can write in your note copy. This is very important question answer. This is also coming in your exam in short type of question answer. Okay, so let come. So every whole number is a natural number. Every whole number is a natural number. Just think about it. Question को और समझने की कोशिश करिए. Every whole number. So whole number में क्या जाता है? 0, 1, 2, 3 is a natural number. So natural number तो अलग है ना? 1, 2, 3, 4. और whole number अलग है. 0, 1, 2, 3, 4. So ये वो क्या बोल रहा है question ना? Every whole number is a natural number. मतलब कि 0 से infinity तक natural number होता है, नहीं होता है. 1 से infinity तक natural number होता है, but 0 is a whole number. Okay, so ये जो statement है ये false है. So because 0 is a whole number, not a natural number. Understand? Then next question. Every integer is a rational number. So every integer is a rational number. देखो ये true है. Every rational number is a every integer is a rational number. True है. कैसे? True because every integer m can be expressed in the form m/1. If I will take example 5, so this is also we can write 5 as 5/1.
5 by 1. This is the form of P by Q, isn't it? So 5 is a rational number. So 5 is a integer. So true, because every integer m can be expressed in the form by from m by 1, and so it is a rational number. We also can take another example, minus 3, and we can write minus 3 by 1. So it is the form of p by q. So minus 3 also a rational number. Okay, so next, in question number 3, every rational number is an integer. Every rational number is an integer. Ye nahi hoga, false, because 3 by 5 is not an integer. Integers, all positive number, all negative number are called integers. Not fraction is a integer. This is a rational number, not an integer. Okay, so 3 by 5 is not an integer. Any example, you can write fraction here, matlab ki 5 by 7, it is not an integer. Integers means minus 1, minus 2, minus 3, yeah, plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, ye wale sab integers hai, up to n, but ye wale integer nahi, ye rational number hai. Okay, next example 2 dekhenge. Find 5 rational number between 1 and 2. So now we'll find 5 rational numbers between 1 and 2. We just recall this type of question we are solving in standard 7. So here is example 2. So we just solve in two methods. We can solve this question in two methods. So first method I'll show you, the next method I'll show next. Okay, so here is, so yahan par dekhenge kya karenge na, isko 1 by 2 iska formula hai. So kya karenge na, 1 by 2 ko ye isme add kar denge, 1 plus 2 mein add kar denge, matlab ki multiply kar denge 1 by 2. So yahan par dekho kya kara humne, 1 by 2 whole into 1 plus 2. To isko kya kar diya, 1 by 2 into 2 plus 1 3 ho gaya. So 3 1 is 3 by, understand? Similarly, we put same method, 1 by 2, 1 plus, we put 3 by 2 at the place of 2. Here we put 3 by 2, so 1 by 2 whole into, yahan par LCM le lenge 2 ka, so 2 1 ja 2 plus 3, then 1 by 2, 3 2, 5 by 2 is equal to 5 by 4. Again, next we put 5 by 4 at the place of 3 by 2, here is 1 plus 5 by 4. Similarly, 1 by 2, iska LCM agar le lenge 4, to 4 unja 4 plus 5, ye ho jayega 1 by 2, whole into 5, 4, 9 by 4, so 9 by 8, again I put the 9 by 8 at the place of 5 by 4, so 1 by 2, 1 plus 9 by 8, so we put the 9 by 8 at the place of 5 by 4, understand na? Then we take the LCM, 8, then 8 1 ja 8 plus 9, then 1 by 2, 9 8 17 by 8, then 17 1 is 17, 8 2 is 16. Okay, then we put again 17 by 16 at the place of 9 by 8, so 1 plus 17 by 16, again we take 16 as LCM, so 16 1 is 16 plus 17, so here is 1 by 2 into 33 by 16, so we can multiply 33 1 is 33 and 16 2 is 32. So find the 5 rational number. These are the 5 rational number, 1, 2, 3, 4, and this is 5. All are the form of P by Q. Okay, just then solution 2 ko dekhenge. Solution 1 dekh liya, abhi solution 2 ko dekhenge. Wahi question, find 5 rational number between 1 and 2. So 1 and 2 ke beech mein hume 5 rational number nikalne hai. Okay, so here we have 5 numbers. 1 and 2 के बीच में हमें 5 rational number, मतलब कि 5 numbers हमें चाहिए. So and we write 1 and 2 as rational number, 1 and 2 के बीच में हमें चाहिए. तो denominator क्या करेंगे ना, 5 से 1 को add कर देंगे, 5 से 1 को add कर देंगे, तो denominator क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है कि नहीं? तो यहाँ पर हम 1 and 2 के बीच में लेते हैं. So 1 को मैं अगर लिखूँगा 1 by 1, और ये वाला 6 जो हो गया, इससे ऊपर और नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, सो यहां हो गया 6 by 6, सो 6 by 6 इज 1. ओके, 6 by 6 इज 1, नो प्रॉब्लम. सो हियर इज 2, सो वी कैन राइट 2 by 1, हम लिख सकते हैं 2 by 1.
सो ऊपर सिक्स वही सिक्स, ए वाला सिक्स को ऊपर सिक्स मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी सिक्स मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या हो जाता है ना 12/6, दिस इज ऑल्सो रेशनल नंबर। ओके देन वी कैन राइट, सो इसके इन दोनों के बीच में 6/6 और 12/6 के बीच में हमें 5 नंबर निकालनी है। देखो यहाँ पर 6/6 के बाद 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6, देखो कितना नंबर होता है 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये हो गया रेशनल नंबर हमारा 5। ये भी इजी है, वो वाला भी इजी है, हम वो वाले मेथड में पढ़ चुके थे, ये वाले मेथड अभी पढ़ लिए। ओके डाउट क्लियर, देन चलेंगे एक्सरसाइज पर। सो एक्सरसाइज 1.1 विल डिस्कस। ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 0 ए रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। सो वी ऑलरेडी गिवन एग्जाम्पल इन दैट इन द प्रीवियस क्लास। ओके इज 0 ए रेशनल नंबर, यस 0 इज ए रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं 0 को, यस कैसे देखेंगे। सो वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, आधा क्वेश्चन बाकी रह गया था। सो कैन यू राइट इट इन द पी बाई क्यू फॉर्म वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, पी एंड क्यू ये इंटीजर्स होगा एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, नीचे वाला डिनोमिनेटर क्यू 0 नहीं होगा, कैसे लिखेंगे। सो यस 0 इज अ रेशनल नंबर, हमने डिस्कशन करा था। इट कैन बी रिटन एज 0/2, वी कैन राइट 0 एज 0/2, 0/5, 0/7, 0/100, 0/1000, सो ऑल द वैल्यू ऑफ द 0 बाई समथिंग इज 0, वी नो अबाउट दैट। सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वी कैन राइट पी बाई क्यू। ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, हमने ये इसका भी एग्जाम्पल ले लिया था, समझा लिया था, समझ लिए थे हम, अगेन फिर से देखेंगे। सो वी हैव 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, 6 रेशनल नंबर मीन्स डिनोमिनेटर क्या होगा 6+1 7, हमने उस जो प्रीवियस क्लास एग्जाम्पल में लिया था उसमें भी समझाया था। तो ये क्या हो गया, वी हैव 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, सो वी टेक डिनोमिनेटर 6 रेशनल नंबर 6+1 = 7, डिनोमिनेटर हम 7 लेंगे। सो देखो मैंने 3 एंड 4 के बीच में लेना है, इन बिटवीन 3 एंड 4, सो 3 को कैसा क्या कैसे लिख सकता हूँ ना 3/1, एंड ये 7 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया ये वाला 7 को, सो 3 7 = 21 एंड 7 1 = 7। ओके नेक्स्ट ये वाले 4 को लिया और 4 को मैंने कैसे लिख दिया ना 4/1, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, और ये 7 को ऊपर मल्टीप्लाई करा और नीचे मल्टीप्लाई करा, सो 4 7 = 28 एंड 7 1 = 7। तो अभी हमें 21/7 एंड 28/7 के बीच में 6 रेशनल नंबर को ढूंढना है, लिखना है, कैसे, बस जो प्रीवियस में लिखा था वैसे ही देखते हैं। सो 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27, 20/7। ओके यहाँ पर कितना हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6 रेशनल नंबर हो गया, हमें क्वेश्चन भी पूछा था 6 रेशनल नंबर तो हमने लिख भी दिया। ओके ये सब गलत दिखेगा तो इसको मिटा देता हूँ, बस काउंटिंग करने के लिए यहाँ पर मैंने लिखा था। ओके ठीक है क्वेश्चन नंबर 3। ओके सो फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ओके सो हम उसी प्रोसेस में करेंगे, लेट x1 x2 x3 x4 एंड x5 आर द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5, यहाँ पर लिख देना है, लेट x1 x2 x3 एंड x4 x5 आर द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। सो लेट हम x1 को निकालेंगे पहले, x1 इज इक्वल टू क्या करेंगे ना 1/2 होल इंटू 3/5 + 4/5 इसको अगर ऐड करेंगे कैसा क्या हो जाएगा ना 1/2 को 1/2 रह गया और 3/5 4/5 को अगर 5 इसका एलसीएम ले लेंगे इसका 5 एंड 5 से 5 को डिवाइड करेंगे कितना हो जाता है 1 को लेकर 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 = 3, वैसा ही 5 को 5 में डिवाइड करेंगे 1 को लेकर 4 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाता है 4 3+4 ये 1/2 यहाँ पर रह गया ये 3+4 7/5, सो 7 1 = 7 2 इंटू
5 is equal to 10. So Vesai, x2, we just put 7 by 10 at the place of 4 by 5. So say similarly 1 by 2, ये होल इंटू 3 बाई 5 प्लस ये 7 बाई 10 हो गया. तो अगेन 5 और 10 के एलसीएम लेंगे, देन 10 को 5 पे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हो गया 2. 2 को लेकर 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जाए 6, वैसे ही 10 से 10 को डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा, 1 को लेकर 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 प्लस 7 13 बाई 10, ये 1 बाई 2 था पहले से, तो 13 1 जाए 13, 10 2 जाए 20 हो गया. वैसे ही सेम प्रोसेस रिपीट होगा x3 में, वैसे 1 बाई 2 3 बाई 5 यहाँ पर रह गया, यहाँ पर 7 बाई 10 के जगह हम 13 बाई 20 को डाल दिया, यहाँ पर हो गया ना, वैसे 1 बाई 2 रह गया, देन 20 एंड 5 के एलसीएम लेंगे, कितना हो जाता है ना 20, 20 को 5 में डिवाइड करेंगे, क्या हो गया 4, 4 को लेकर 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना 12 हो गया, वैसे ही 20 को 20 में डिवाइड करेंगे 1, 1 इंटू 13, 13, देन इसको ऐड करेंगे 25 बाई 20, ये 1 बाई 2 पहले से था, सो 25 1 जाए 25 22 जाए 40, फिर से अगेन वही चीज़ यहाँ पर आ जाएगा, वही 1 बाई 2 होल इंटू 3 बाई 5 प्लस 25 बाई 40, वैसे 1 बाई 2 यहाँ पर रह गया, ये अगर 40 यहाँ पर 40 को 5 में डिवाइड करो, कितना हो जाता है, 40 को 5 में डिवाइड करो 8 हो जाता है ना, 8 8 को 3 में मल्टीप्लाई करो, 8 3 जाए 24, लेकिन 40 को 40 में डिवाइड करो 1 1, 25 1 जाए 25, तो इसको ऐड कर दो, ये 1 बाई 2 रह गया यहाँ पर, ये 49 एंड ये 40, 49 1 जाए 49 और 42 जाए 80, देन अगेन 1 बाई 2 होल इंटू 3 बाई 5 49 बाई 80, अगर इसका एलसीएम लेंगे 80 और 5 का अगर एलसीएम लेंगे कितना हो गया ना 80 हो जाएगा, 80 को 5 में डिवाइड करो कितना 16, 16 5 जा 80, सो 16 हो गया, 16 3 जा 48 यहाँ पर आ गया, देन 80 को 80 में डिवाइड करो 1 इंटू 49, यहाँ पर 49 हो गया, अभी इसको ऐड करो 1 बाई 2 तो यहाँ पर रह गया, सो 89 ये हो गया 97 बाई 80, देन 97 1 जा 97 एंड 82 जा 160, ये हमारा हो गया 5 रेशनल नंबर. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और कोई डाउट्स रहा हो तो कमेंट सेक्शन में नीचे लिख लीजिए, और बस शेयर करिए, लाइक करिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. ओके, थैंक यू, बाय बाय फॉर नेक्स्ट.